अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैया वसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे जी। आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। वसीम और हना आंटी हैं, वो भी ज़बरदस्त ट्रिप चल रही थी। वो डील लेने गया है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। तो वो आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 200 में पता नहीं क्या था, बस इतना बता दी कि 200 में डील चल रही है। और ये वसीम का जो कार्ड में जान बैंक का घूम गया था, हमने वो कार्ड बनवाया। उस कार्ड का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है ना, कि हम मुझे डील मिलती है वो बहुत ही लो प्राइस में मिल जाती है। तो अभी भी बहुत अच्छी डील चली थी, वो डील ही लेने गए। वो आती हैं तो फिर हम लोग अपने डील आपको दिखाएंगे, वो डील में क्या लेके आए, फिर मज़े से खाएंगे। तो फिर हम उसके बाद आपको मिलेंगे सारी टाइम। तो क्या मैं सारी करूँगी और सारी में गपशप मारेंगे बात। हम लाए हैं ये बोती है, ये दही है, वो नान है, वो पानी है। ना तो मजे से एंजॉय कर रहा है। जहफ़त तो अपना नाइट ड्रेस पहन के सो गया, वरना इतना चका ये बोटी है, ये नान है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं मिली। तो जी अब हम लोग आपको मिलेंगे सारी टाइम। तो इस अब के लिए बस इतनी ही हमारी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आज सैरी करना ज़रूरी था। तो जी बिल्कुल, आज सैरी करना ज़रूरी था, क्यों ना कि मेरे जो 4 रोज़े मिस हो गए थे, मैंने कहा था वो रख लूँगी। कल सिर्फ वसीम की वजह से नहीं रोज़ा रख पाई, क्यों ना कि उन्होंने कहा था मैं छुट्टी करूँगा, पर उन्होंने नहीं की और मेरा रोज़ा मिस हो गया था। तो मैंने कहा चलिए आज मैं अलार्म लगा के सो गई थी 3 बजे का। फिर 3 बजे अलार्म बजा, मैं उठी, मैंने अपने लिए परांठा बनाया, मैं आलू बेने का कल सालन बनाया था, वो सालन गर्म किया, साथ मैंने अपने लिए बना ली लस्सी। तो मैंने बहुत कैमरा सेट करने की कोशिश की कि मैं कैमरा सेट करके तो जो खा पी रही हूँ, सैरी बनाई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ, पर मेरा कैमरा नहीं था सेट हो रहा। फिर भी मैंने पर्सनली एक वीडियो बना ली जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने सैरी में क्या खाया था। जैसे पहले शेयर करती थी वैसे ही आपके साथ मैं वीडियो शेयर। और कायनात भी कह रही थी मैंने रोज़ा रखना था, मैंने कायनात को बहुत ज़्यादा जगाया पर काई उठी नहीं। तो फिर जब अब जाना हुई तो फिर काई उठ के आ गई, तो कहती है आपने रोज़ा रख लिया? मैंने कहा हाँ मैंने रख लिया, मैं तुम्हें बहुत उठाया तुम उठी नहीं। तो कहती चलें कोई बात नहीं, मेरे रोज़े तो ज़्यादा आपके कम है, मैं कल से आपके साथ स्टार्ट कर लूँगी। तो कोई बात नहीं, कल काई रोज़ा रख लेगी मेरे साथ ही। तो मुझे कन्फ्यूज़न और थी जाने कितने बजे होनी है, मन लगे अभी आपके सामने रोज़े ख़त्म हो गए हैं, तो फिर भी भूल गई थी कितने बजे जा रहा हूँ। फिर मैंने गूगल सर्च किया तो 3 बज के मेरे ख्याल से 37 या 38 मिनट आ रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैं तो जितने लगता है मैं लेट हो गई, तो मैंने दुआ कर ली। तो अभी 4 बजने में 1 मिनट रह गए थे, तो अभी कार साहब ने अजान दी है। तो पर मेरी चाय वहीं पे पड़ी हुई थी, मैं चाय भी नहीं पी सकी ना पानी, क्यों ना कि मैंने ना अफसारी की जो दुआ थी वो मैंने कर ली हुई थी। तो चलें कोई बात नहीं, मुझे पता लग गया बाकी जो 3 रोज़े रह गए मैं इन्हीं टाइम पर रख लूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।